हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। कलेजी टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कलेजी ली है और एक बड़ा चम्मच यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और दो बड़े चम्मच दही डाले हैं। यहाँ मैंने कुछ पीसे मसाले लिए हैं और ये सारे आधे आधे चम्मच ही मैंने लिए हैं। और यहाँ मैंने एक बड़ा नींबू का रस इसमें ऐड किया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देने वाले हैं। दोस्तों, कलेजी टिक्का बहुत ही यूनिक रेसिपी है और ये बहुत ही यमी बनके तैयार होती है। और जैसे मैं बनाने वाली हूँ, अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो सब उंगलियाँ ही चाटते रह जाने वाले हैं। एक पैन में मैंने यहाँ पे तेल गर्म किया, आप कढ़ाई या कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। और इसमें अब हम जो मैरिनेट करी हुई कलेजी है उसे डाल देने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इसे एक रात के लिए अच्छे से मैरिनेट करके रखा था जिससे कि बहुत जल्दी पक जाने वाली है, नहीं तो आपको इसे बॉईल करके मैरिनेट करना होगा अगर आप इसे जल्दी पकाना चाहते हैं, क्योंकि कलेजी को पकने में थोड़ा वक्त लगता है। ये मटन कलेजी है तो इसे थोड़ा सा और भी ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए आप बॉईल करके भी इसे मैरिनेट करके पका सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैंने 10-10 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाया है। मैं इसका सारा जो मसाला है उसे अच्छे से भून लेने वाली हूँ और इसे लगातार चलाते रहने वाली हूँ। और देखिए, इसका जो मसाला है वो सूख चुका है, हमारी कलेजी ऑलमोस्ट पक चुकी है क्योंकि इसे मैंने मैरिनेट करा था और थोड़ा पकाने के बाद ये और भी अच्छे से पक चुकी है। कलेजी में कच्चापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मसालों की भी महक नहीं आनी चाहिए, मसाले भी अच्छे से भून जाने चाहिए। देखिए, जब तक कलेजी में मसालों का कलर इस तरह से नहीं आ जाता तब तक आप इसे लगातार चलाते रहें और मसालों में इसे पूरा का पूरा पानी हट जाना चाहिए। टिक्का क्योंकि ड्राई ही होता है तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी देर तक इस तरह से आधे घंटा मुझे लगा इस सारे मसालों को जला के अच्छे से कलेजी को पकाने में। देखिए, कलेजी में कितना प्यारा कलर आ गया है। तो अब हमारी कलेजी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेने वाले हैं और इसके बाद हम टिक्के की तैयारी करते हैं। टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कुछ स्क्वेयर्स लिए हैं, आपको ये मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाने वाली है। इन सीखों से टिक्का बहुत ही जल्दी और आप घर पर भी बिल्कुल ही तंदूरी वाला फीलिंग ले सकते हैं। और देखिए, इसको मैंने एक एक करके तीनों स्क्यूर्स में अच्छे से कलेजी को लगा दिया है, आप भी इसी तरह से लगा लीजिए। और अब हम इसे घर पे ही सेकने वाले, इसलिए मैं गैस यूज़ करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे बटर थोड़ा सा लगाया है ताकि कलेजी में से अच्छी सी खुशबू आए और ये और भी ज़्यादा उम्दा लगे। तो देखिए, मैंने इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे 5-5-10 मिनट के लिए, पहले 5-5 मिनट के लिए अच्छे से मैंने इसे भूंजा है। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक इसे लो फ्लेम पे पकाती रही, जो इसका कलर है वो अच्छे से ब्लैक हो जाना चाहिए, क्योंकि कलेजी जितनी ज़्यादा भुनी होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। और ध्यान रहे कि लो फ्लेम पे ही आप करें, नहीं तो बहुत बुरी तरह से हमें इसे जलाना भी नहीं है। बस हमें इसमें से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर जो है उससे थोड़ा तेज़ कलर आना चाहिए। देखिए, इसी तरह से मैंने सारी कलेजी के पीसेस को पका लिया है, हमारी कलेजी टिक्का बनके तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट रेसिपीज़ लाती रहूँगी।